एक ऐसी रहस्यमय दरगाह शरीफ जहाँ पे रात के टाइम में जिन्नात करते हैं लंगर। 9 फीट लंबे जिन्नात इस दरगाह शरीफ के अंदर करते हैं लंगर। दोस्तों यह दरगाह शरीफ कहाँ पे है पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस दरगाह शरीफ के अंदर जिन्नात मौजूद है, जिन्नात रात के टाइम में यहाँ पर लंगर करते हैं, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। सरकार की तो बहुत सारी करामतें हैं, लोग यहाँ आते हैं अपनी मुरादें मांगते हैं और मुरादें बहुत सारे लोगों की पूरी हुई है। और यदि मुरादें आपको मांगनी है और इनकी और करामत अगर देखनी है आपको तो यहाँ पे आइए, कम से कम 5 गुरुवार के दिन, जुमेरात के दिन आइए और आप यहाँ पे सरकार से अपनी दुआएं और मुरादें मांगिए। इंशाल्लाह सरकार ज़रूर आपकी दुआएं सुनेंगे और अल्लाह के फजल करम से वो दुआएं आपकी कबूल होगी। कोई ऐसी करामत बताइए जो आज तक यादगार हो। मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये करामत सुनी हुई थी कि कुछ लोग जो है वो डोंगरगढ़ से आ रहे थे और रात का वक्त हो गया था, तो यहाँ पे देखे कि सरकार की दरगाह में रात को लंगर चल रहा है, तो उन्होंने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी कि चलो थोड़ा सा लंगर हम भी ले लें करके। तो आए यहाँ पे, लंगर उन्होंने लिया और देखे कि जो लंगर खिला रहे थे या लंगर जो कर रहे थे वो बहुत ही बड़े लोग थे, बहुत ऊंचाई उनकी करीब 7-8 फीट की थी, 8-9 फीट की। तो उन्होंने ये मन में सोचा, आपस में उन्होंने चर्चा की कि ऐसे इंसान, साधारण इंसान तो ये लोग हो नहीं सकते, लेकिन वो केवल चर्चा आपस में किए और लंगर किए और फिर यहाँ से लंगर करके अपने घर चले गए। और जब उन्होंने इस वाक्या को अपने बुज़ुर्गों से सुनाया, अपने बुज़ुर्गों को जब ये बात वाक्या सुनाया उन्होंने, तो उनके बुज़ुर्गों ने बताया हाँ वहाँ ऐसे दरगाह में अक्सर लोग, जिन्नात लोग दरगाह की खिदमत किया करते हैं। और सरकार सैयद सलाहुद्दीन साहब और रहमतुल्लाह की दरगाह में भी कुछ जिन्नात जो होते हैं वो इनकी खिदमत करते हैं और ये वही जिन्नात होंगे जो रात को खिदमत कर रहे होंगे और लंगर तस्लीम कर रहे होंगे। और आप लोग खुशकिस्मत हैं जो आप लोगों ने उस लंगर को लिया और आप लोगों के नसीब में लंगर मिल। और ये दरगाह ऐसी है कि यहाँ पर इंसान तो इंसान, जिन्नात भी लंगर करते हैं। जी हाँ, जिन्नात भी रहते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। जी हाँ बेशक। और कुछ अगर कोई इस दरगाह शरीफ पे आना चाहता है तो कैसे, किन रास्तों से आ सकता है? देखिए, इन रास्तों को आने के लिए नेशनल हाईवे है, बॉम्बे टू बॉम्बे के रास्ते हैं। भिलाई से अगर आना चाहें तो उस रास्ते आप राजनांदगांव होते हुए आप तुमरी बोर्ड आएंगे, तुमरी बोर्ड से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर डोंगरगढ़ रोड पे ये मजार शरीफ पड़ता है। और यदि आप नागपुर तरफ से आना चाहें तो नागपुर से भी नेशनल हाईवे का जो रोड रहता है, तो बॉम्बे और कलकत्ता का रोड जो है उस रोड से आप आ सकते हैं। ये सैयद शाह सलाहुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जो मजार शरीफ है जिनके आपने करामातें भी बताई, ये कितनी साल पुरानी दरगाह शरीफ है? ये काफ़ी पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने से है यहाँ पे और करीब 2-3 पीढ़ियाँ तो ये देख चुके हैं और उन लोगों ने बताते हैं कि काफ़ी पुराना है और अंग्रेज़ों के ज़माने का ये मज़ार है। जैसा कि जो भी अल्लाह के वली हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, शिफा खाना होता है, उस तरह से इलाज चलता है, यहाँ पर भूत प्रेत जिन जिन्नात के भी कुछ जो पीड़ित लोग होते हैं, तकलीफ़दा लोग होते हैं, उनका भी यहाँ पर कुछ इलाज होता है रूहानी ताकत? हाँ, वो आते हैं और सरकार उनकी मुरादें पूरी करते हैं और इस तरह के जो लेकर के आते हैं और जिनको जिन्नात वगैरह पकड़े रहते हैं, जिनको भूत प्रेत वगैरह रहते हैं या जिनके ऊपर कुछ गलत साया रहता है, वो सरकार के दरगाह में आने के बाद, दरगाह में आने के बाद उनकी वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम को पैगाम ये दूंगा कि आएँ आप यहाँ पर और सरकार की, सरकार से दुआएँ मांगें और इंशाल्लाह आपकी दुआएँ कबूल होंगी। एक बात, आपका नाम? मेरा नाम हुमायूं सुल्तान है और मैं यहाँ सरकार के दरगाह में आता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ और एक मैं खिदमतकार हूँ।